आए तो एक बार फिर से कोरोना की तीसरी लहर के बीच स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। सरकार इसकी वजह से बड़े निशाने पर है। बॉलीवुड स्टार्स भी काफी निराश हैं। बच्चन परिवार के घर की लाडली आराध्या भी इससे निराश तो होगी ही, ऐश्वर्या की परेशानी और बढ़ गई है। कोविड की तीसरी लहर में बेटी को स्कूल कैसे वो भेजेंगे। पहली क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स अब स्कूल जाएंगे। महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स में कहीं न कहीं खुशी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन करेंगे। इसके लिए शिक्षकों के किस तरह के रूल्स बनाए जा रहे हैं, किस तरह स्कूल में रूल्स बनाए जाएंगे, इस पर काफी चर्चा है। आइए जानते हैं आराध्या को लेकर चिंता का कारण क्यों बच्चन परिवार में बड़ा है। देखिए इसके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते ही हैं, महाराष्ट्र में अब कोरोना कहर से उभरते हुए देखकर फैसला सरकार की तरफ से आया है कि स्कूलिंग्स जो है अब शुरू हो रही है। जी हाँ, स्कूल खोलने की बातें की जा रही है, रीओपन कर दी गई है स्कूल को। जी हाँ, इस वक्त स्कूल में बच्चों को भेजना कंपलसरी नहीं है, आदित्य ठाकरे ने पेरेंट्स से कहा। महाराष्ट्र में स्कूल खोलने की खबरों के ऐलान पर कोरोना के खतरे के बीच जब महाराष्ट्र में आज से स्कूल खुल गए हैं 24 जनवरी से, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं अच्छा लगा, सोशल डिस्टेंसिंग का प्लान किया जाएगा बच्चों के लिए। बस 62% अभिभावक 26 जनवरी से बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में अभी भी नहीं है। ऐसे में बच्चन परिवार क्या आराध्या बच्चों को स्कूल भेजेंगे, इस पर आपको जानकारी देना चाहेंगे। 12वीं क्लास तक के स्कूल आज से खुल गए हैं, पहली से लेकर 12वीं तक के, जिसमें आराध्या के स्कूल को भी खोलने का फैसला लिया ही गया है, क्योंकि अंबानी स्कूल है, धीरूभाई अंबानी स्कूल, जिसमें ऐश्वर्या अभिषेक की बेटी पढ़ाई करती है। और अभी तक पिछले देखा जाए तो 2020 से लेकर 21 पूरा उनका घर पर ही पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी निभाती हुई ऐश्वर्या राय बच्चन का फैसला था कि उनके ऑनलाइन एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की वजह से जो भी प्रॉब्लम होगी उससे डील ऐश्वर्या करेंगे। अभिषेक अपनी फिल्मों की वजह से व्यस्त है, तो ऐश्वर्या ने ही अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश के साथ उनके एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ऑनलाइन एजुकेशन की। अब जब स्कूल खुल गए हैं तो ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या को भेजेंगी, चिंता का कारण है। आराध्या को लेकर काफ़ी डरी तो ऐश्वर्या भी होंगी, क्योंकि कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। कई लोग सरकार के इस फैसले पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे तीसरी लहर जारी होने के बावजूद स्कूल खोलने की जल्दबाजी में क्यों है। ऐसे में कोविड SOP का प्लान करना और अभिभावकों की रजामंदी, इन सब पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चर्चा करना। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से स्कूल में क्लास चले, ये फैसला लिया गया। बच्चन परिवार काफ़ी चिंतित है, क्योंकि ऐश्वर्या की बेटी आराध्या साल 2020 में कोरोना कहर का सामना कर चुकी है। कोरोना की चपेट में वो एक बार आ चुकी है। उस वक्त अमिताभ, ऐश्वर्या, अभिषेक सभी कोरोना की चपेट में आया था। अब स्कूल खोलने का डिसीज़न, कॉलेज खोलने का डिसीज़न, इन सब पर काफ़ी ज़्यादा चिंता बनी है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, कोविड सेफ को लेकर काफ़ी चिंता है और बच्चन परिवार पूरी तरह से सेफ्टी के साथ अपनी बेटी, घर की बेटी आराध्या को स्कूल भेजेंगे ऐसा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐश्वर्या को अपनी बेटी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता बढ़ी है, उनकी मुसीबत और बढ़ी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो बॉलीवुड अपडेट इशू में मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति बता चुकी हूँ आराध्या को लेकर आई इस खबर के बारे में। और आप जानते ही हैं कि बच्चन परिवार की इकलौती बेटी के लिए ऐश्वर्या की चिंता हमेशा काफी गंभीर रहती है। फिलहाल अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।